बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज हम बनाएंगे तंदूरी दम पख, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और तंदूर के ऊपर इसे हम बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे पास एक पतीला, और सबसे पहले इसमें हम नीचे जो हैं वो रखेंगे आलू, और आलू जो है उनमें हम छुरी की मदद से इस तरह थोड़े थोड़े सुराख कर लेंगे। इससे ये होगा कि आलू जो हैं उनके अंदर गोश्त का जायका भी जाएगा और ये स्टीम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे इस तरह। तो गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह दरख्त जो हैं वो बहुत फ़ायदा देते हैं, और इस वक्त साए में बैठे हुए हैं, छाँव में, बहुत घनी छाँव है दरख्तों की। तो इसी तरह हम छुरी की मदद से थोड़े थोड़े इसके अंदर जो है वो होल करके, तो आलू जो है वो सबसे पहले हम नीचे रखेंगे। आलू जो हैं वो नीचे हमने रख लिए हैं। गोश्त हमारा चर्बी वाला है, और अलहदा से भी इसमें हम चर्बी शामिल करेंगे, तो गोश्त जो है उसमें भी चर्बी जो है वो काफ़ी हद तक है। तो अभी हम इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो है ये कुटी हुई डालते हैं, और अच्छी तरह इसको हम करेंगे मिक्स ऐसे। थोड़ा नमक भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स करते हैं ताकि नमक और लहसुन अदरक वगैरह अच्छी तरह गोश्त में लग जाएँ। नीचे हमने आलू रख लिए हैं। सबसे पहले हड्डी वाला गोश्त रखेंगे नीचे, और इसमें लहसुन जो है वो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कूट के आप डालेंगे तो उससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। प्याज डालेंगे, और प्याज जो है इसी तरह हमने छोटे साइज़ के लिए हैं, और ये साबुत ही डाल दें, थोड़ा प्रेस कर देते हैं। टमाटर जो है उनको हम एक कट लगा के ना इस तरह डालेंगे। चर्बी जो है वो ऊपर रखते हैं। चर्बी बहुत ज़्यादा हम इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि गोश्त में भी काफ़ी चर्बी है। साबुत मिर्च जो हैं वो भी कुछ हम शामिल करेंगे। कुटी हुई जो मिर्चें हैं वो हमने कम शामिल की हैं। लहसुन इसमें हमने कुटा हुआ भी डाला है, तो अभी एक साबुत गंडी जो है लहसुन की उसको हम दो हिस्सों में करके ये भी शामिल करते हैं। कुटा हुआ हमने कम डाला था, आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी डाल सकते हैं। लेमन का रस डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 अदद लेमन है, छोटे साइज़ के ही हैं। अभी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और साथ थोड़ा सा ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ा सा। ये चीज़ें डालनी हैं, और इसमें ऑयल कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जो चर्बी है ये मेल्ट हो जाएगी और इसका ऑयल ही बन जाता है, तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। तो अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे आटा साइडों के ऊपर। तो अभी हम गंदम का आटा लगाएँगे साइडों के ऊपर, किनारों के ऊपर। ये दम के लिए इस्तेमाल होगा, इससे ये होगा कि इसकी स्टीम जो है वो बाहर नहीं आएगी, और दम बहुत अच्छा लगेगा इसकी मदद से। आटा हमने लगा लिया साइडों के ऊपर, तो अभी इसके ऊपर हम देंगे ढकना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैलेंस में रख के ना इसका ढक्कन, तो ऊपर से ऐसे करेंगे प्रेस इस तरह, और हाथ की मदद से। आटे से सिर्फ यही हमने काम लेना है कि इसकी स्टीम, और जिसे हम भाप बोलते हैं, वो बाहर ना आए बस। तंदूर में हमने आग जला ली हुई है, जैसे ही ये कोयले बनते हैं तंदूर हमारा जो है वो हीट अप होता है, तो हम ऊपर रख देंगे
अपने पतीले को, पतीला जो है वो हमने रख दिया तंदूर के ऊपर, तंदूर हमारा फुल हीट अप हो गया। और अभी इसके ऊपर हम रख देंगे पतीले के ऊपर हीट, वजन रख देंगे इसको, तो हम 2.5 से 3 घंटे के लिए इसी तरह पकाएंगे तंदूर के ऊपर, और उसके बाद इंशाल्लाह चेक करेंगे। ढाई घंटे हो चुके हैं, अभी उतारते हैं और चेक करते हैं। और ईंटें जो इसके ऊपर हमने रखी हुई हैं ये भी काफ़ी गर्म हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा जो है वो ज़ाहिर है सख्त हो गया हुआ है बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अभी इसका आटा जो है वो साफ़ करते हैं सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ऑयल इसमें हमने बिल्कुल ही नहीं डाला था, और ये चर्बी जो थी वो हमारी मेल्ट हो गई हुई है। और ये आलू रहे हमारे, अभी निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत हल्के हाथों से ये टूट रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त गल गया है। ये देखें, और 2.5 घंटे से हमने रखा तंदूर के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ये पकड़ लो, पकड़ लो, खाओ। शाबाश शाबाश। आनिम कलब भाई, कैसा बने दम पक तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह करम भाई, मिर्च और नमक जो है बहुत कम है, तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त बना अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूम भाई तो कैसा लगा जी? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना, बच्चों ने खाने वाला भी है, बच्चे बड़े शौक ना खा रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। बेटा मज़ा है?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार हमारा तंदूरी दम पख्त बना है और बहुत मज़ा आया सबको, मैंने भी बहुत खाया। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।